हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ क्लैश रॉयल। गाइस, खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। क्लैश रॉयल का नया इवेंट आने वाला है जिसका नाम है स्लैश रॉयल। यहाँ पर हमें मिलने वाला है बहुत ही सारा गोल्ड। यहाँ पर जो है हमें ऑलमोस्ट 300k यानी कि 300,000 का गोल्ड मिलने वाला है। अभी तक का हाइएस्ट है क्लैश रॉयल की हिस्ट्री में। इतना गोल्ड एक साथ क्लैश रॉयल ने कभी नहीं दिया है किसी भी इवेंट में। तो 9 दिन का यह इवेंट होने वाला है जो कि स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर, ऑल द वे गो टू जाएगा 6 अक्टूबर तक, ट्यूसडे तक, नेक्स्ट ट्यूडे यानी कि मंडे से लेकर नेक्स्ट ट्यूसडे तक। और वहां हमें मिलने वाला 300k के आसपास गोल्ड, बहुत ही ज्यादा है। और भी बहुत सारी चीजें इस अपडेट के जो है, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है। आप सभी को पता होगा क्लैश रॉयल काफी टाइम से उसके ऊपर वर्क कर रही है, क्लैश रॉयल की टीम। तो उस बड़े अपडेट से पहले ये छोटा सा तोहफा हम सभी के लिए क्लैश रॉयल की तरफ से स्लैश रॉयल नाम से। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक बटन जरूर से दबा देना यार। ओनली 50 likes का एम रख रहा हूँ मैं, आप लोग कंप्लीट करा दोगे मुझे पता है, तो प्लीज लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को जो है फॉलो कर रहे हो, जो कि बड़े ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर्स है सुपरसेल के, उन सभी ने ये हिंट पहले ही दे दिया था। और जो है क्लैश रॉयल ने अपने खुद के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी डाला था ये वाला हिंट, जो कि था इस इवेंट को लेके, स्लैश रॉयल इस कमिंग को लेके। मैं फोटो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 36, 44, 46 और 53 नंबर के ऊपर जो है हिंट दिया हुआ था कि किस तरीके से जो है यहाँ पर स्लैश रॉयल का जो हिंट दिया हुआ था। बड़ी अपडेट से पहले एक छोटी जो इवेंट रखा इन्होंने गोल्ड, ताकि हम सभी लोग कमा ले, हम जो अपना अकाउंट जल्दी से मैक्स कर ले, क्योंकि बॉयज मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो है अपडेट होने वाली है वो होने वाली है लेवल 14 पे, या फिर जो दो गैस मुझे लग रहे हैं, एक तो लेवल 14 हो सकती है क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैंस में यहां पर लेवल 14 का टाउन हॉल जा चुका है। तो हो सकता है क्लैश रॉयल के अंदर भी हमें देखने को मिले कि लेवल 14 का किंग टावर, या फिर दोस्तों एक और चीज जो हो सकती है वो हो सकती है एबिलिटीज कार्ड की। जैसे कि हम देख सकते हैं ब्रॉल स्टार्स के अंदर भी पहले सिर्फ और सिर्फ लेवल्स हुआ करते थे, लेकिन अब जो उनके पास एबिलिटीज है, उनके पास गैजेट्स है, उनके पास स्टार पावर है, पर लेवल 9 यानी कि मैक्स होने के बाद कार्ड उसमें जो है वहां पर एबिलिटीज मिलती है, स्टार पावर मिलती है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं शायद यहां पर हमें कोई पावर भी देखने को मिल सकती है कार्ड की। तो नेक्स्ट अपडेट जो भी होगा बहुत ही ज्यादा बड़ा अपडेट होने वाला है। उससे पहले एक छोटा गिफ्ट हालांकि दे ही चुका, ट्रेलर दिखा चुका है क्लैश रॉयल, तो मैं बहुत ज्यादा हाई भिड़ हो चुका हूं नए वाले अपडेट को लेकर। तो देखना होगा कि क्या रहता है वो, या तो जो है अपना ब्रॉल स्टार्स की तरफ जाएगा, या फिर सीओसी की तरफ, या तो जो है अपना टावर 14 होने वाला है, या फिर कोई नया अच्छा अपडेट आने वाला है। तो देखते हैं क्या होगा। हिलाल तो इस इवेंट की जो है यहाँ पर क्लैश रॉयल ने हमें लीक दी थी और वो जो है पूरा हो जाएगा 9 दिन का इवेंट। सबसे बड़ी चीज जो इस इवेंट की निकल के आ रही है, यहाँ पर सारे के सारे जो है कॉस्ट है वो हाफ होने वाले। यानी कि अगर आप कोई कार्ड अपग्रेड करना चाहते थे, अगर आपने अभी तक कोई कार्ड अपग्रेड नहीं किया, आपके पास गोल्ड पड़ा है, तो आपको पहले एक कार्ड को मैक्स करने के लिए लगता था 1 लाख रुपीज का गोल्ड, 1 लाख रुपए आपको लगते थे। लेकिन अब जो है इस जो इवेंट के अंदर 9 दिन के अंदर आप जो है उस कार्ड को सिर्फ और सिर्फ 50,000 गोल्ड कॉइन्स जो है वेस्ट जो अपना यूज करके अपना कार्ड मैक्स कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 50,000 गोल्ड, 50,000 गोल्ड में आपका कार्ड मैक्स आउट हो जाएगा, तो काफी ज्यादा अच्छा है। एज स्टार पॉइंट्स में भी दोस्तों सेम कर दिया गया है। पहले अगर हमें एक स्टार लेवल पे जाना होता था तो हमें 10,000 स्टार पॉइंट्स लगते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हमें 5,000 स्टार पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो काफी ज्यादा अच्छा अपडेट है। आप जो है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग जितने भी कार्ड्स आपके मैक्स करना चाहते थे, आप जो भी डेक मैक्स करना चाहते थे, उस पर जरूर से फोकस करें। और अगर आपने अभी कुछ भी नहीं किया, अगर आप एक नया अकाउंट भी बनाते हो, तो भी आपको टोटल 3 लाख का गोल्ड मिलने वाला है इस इवेंट में। ग्रेट गोल्ड रश, काफी बड़ा आने वाला है, मैं आपको उसकी डिटेल्स भी देता हूँ। ग्रेट गोल्ड रश आने वाला है दोस्तों, यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज का गोल्ड मिलने वाला है, 2 लाख का गोल्ड मिलने वाला है। यहाँ पे काफी ज्यादा गोल्ड है। और जो है ये गोल्ड आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि आप जानते हो गोल्ड रश जब भी आता है उसमें हमको ओपोनेंट्स के टावर डिस्ट्रॉय करने होते हैं, तो यहाँ पर एक टावर डिस्ट्रॉय करने के ऊपर कुछ गोल्ड मिलता है, या फिर जो है कुछ तीनों क्राउन अपन डिस्ट्रॉय करते हैं उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड होता है। उसके अलावा वो टोटल एक लिमिट होती है जहां तक हम गोल्ड रीच कर सकते हैं, तो वो लिमिट इस बार है, अगर आप मैक्स लेवल प्लेयर हो, अगर आप हायर एरिया में हो, तो आपके लिए 2 लाख रुपए आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हो जो है अपोनेंट्स के टावर डिस्ट्रॉय कर करके। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है कि आपको किस एरिना में कितना जो है गोल्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर एरिना के साथ में एक टावर डिस्ट्रॉय करने पे कितना आपको गोल्ड मिलेगा, और जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना गोल्ड मिलेगा। अगर आप जो है ट्रेनिंग कैंप में, अगर आप शुरू से गेम को शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पर एक टावर लेने पर आपको 400 का गोल्ड मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट 20,000 का गोल्ड मिलेगा। वापस गोब्लिन एरिना में हम देखें एरिना 1 पे, तो यहाँ पर 400 का हमें गोल्ड मिलेगा और मैक्सिमम अमाउंट 20,000। यहाँ पर अगर एरिना 2 पे अगर आप हैं, तो आपको मैक्सिमम अमाउंट का जो गोल्ड मिलेगा वो होगा 600 बोन पिट पे अगर आप हैं, और जो मैक्सिमम 30,000।
अगर बार्बेरियन ब्रोल में अगर आप हैं तो टावर एक लेने पे आपको मिलेगा 800 का गोल्ड, सेम 40,000 मैक्स। पैकअप लेआउट में आपको मिलेगा 1000 का, मैक्स है 50,000। स्पेल वैली में हमें मिलने वाला है 1200 का गोल्ड और मैक्सिमम 60,000 का गोल्ड। बिल्डर्स वर्कशॉप में मिलने वाला है 1400 मैक्सिमम 70,000। रॉयल एरियन में मिलने वाला है 1600 मैक्सिमम 80,000। यहां पर फ्रोजन पीक पे मिलेगा 1800 मैक्सिमम 90,000। जंगल एरिया पे 2000 एंड मैक्सिमम 1,00,000। होग माउंटेन पे मिलेगा 2,800 एक टावर लेने पे 2,800 का गोल्ड और अगर आप जो है मैक्स टू मैक्स अर्न करना चाहते हो तो 1,40,000। इलेक्ट्रो वैली पे मिलेगा 3,000 का एक टावर लेने पे और मैक्सिमम 1,50,000। स्पोकी टाउन पे मिलेगा एरिना 12 पे 3,200 मैक्सिमम 1,60,000। रास्कल साउट डाउट पे मिलेगा 3,500 मैक्सिमम 1,75,000। सेरेनिटी पीक पे मिलेगा एक टावर लेने पे 4,000 का और मैक्सिमम 2,00,000। यही लेजेंडरी एरिना पे भी 4,000 का एक टावर लेने पे हमें जो है गोल्ड मिलेगा और मैक्सिमम 2,00,000। तो ऑलमोस्ट जितने भी प्लेयर मैक्स हैं जो भी 5,000 या सेरेनिटी पीक से ऊपर है, एरिना 14 से ऊपर है, उन सभी को मिलने वाला है 4,000 का हर एक टावर लेने पे और मैक्सिमम 2,00,000 का गोल्ड। तो बहुत ही ज्यादा गोल्ड है, आप जल्दी से जल्दी आप चीजें अपग्रेड कर सकते हो। ओनली गिफ्ट जो शॉप में अपीयर होगा वो होने वाला ऑलमोस्ट 50K का। देखते हैं 50K गोल्ड हमको, अप टू 50K गोल्ड हम डेली कमा सकते हैं शॉप से भी, तो देखना होगा हमें कितना गोल्ड वहां से मिलता है। चैलेंज के अंदर भी गोल्ड मिलने वाला है हमें, यहां पर गोल्डन मिरर चैलेंज आने वाला है, उसमें हमें 50K का गोल्ड मिलेगा। ट्रिपल एलिक्सर ग्लोबल टूर्नामेंट आने वाला है, उसके अंदर हमें 25K के आसपास का गोल्ड है और मैक्स लेवल प्लेयर्स जो हैं जितने भी आप जो हैं एरिना 14 से ऊपर हो वहां पर हमें ऑलमोस्ट टोटल जो मिलेगा 300K का गोल्ड मिलेगा, जो कि मैं आपको शुरू से बता रहा हूं। अब जो है मैजिक बुक्स जो है, पहले अगर आप एक मैजिक बुक रख पाते थे तो उसकी लिमिट जो है एक्सीड कर दी गई है, अब जो है हम ज्यादा मैजिक बुक रख पाएंगे। थैंक्स अ लॉट टू रॉयल एपीआर फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। यार सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी देने के लिए रॉयल एपीआई का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी चेकआउट करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पर बात कर लेते हैं अब लिमिट को लेके, तो यहां आप देख सकते हो कॉमन बुक की जो है लिमिट कर दी गई है 2, रेयर बुक की कर दी गई है 4, एपिक बुक की कर दी गई है 4 एंड लेजेंडरी बुक की कर दी गई है 2। यानी कि अगर आप शॉप से बाय करते हो इन जो है बुक्स को, तो आप जो है अब एक बार में 2 बुक, 4 बुक, 4 बुक एंड 2 बुक रख पाओगे एक साथ, लेजेंडरी रेयर बुक की, और अपने 4 कार्ड एक बार में आप मैक्स आउट कर सकते हो, रेयर के 4 ही, एपिक के 2, लेजेंडरी के एंड 2 कॉमन के। तो काफी अच्छी अपडेट है ये, जो छोटा एक इवेंट आने वाला है काफी ज्यादा गोल्ड और चीजें मिलने वाली है। तो होप करता हूं मैं आप सभी लोग अपनी डेक को मैक्स आउट कर लोगे, अपने अकाउंट को मैक्स आउट कर लोगे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, मेरा अकाउंट शायद मैक्स आउट हो जाए, कुछ एपिक और लेजेंडरी बच जाएंगे, लेकिन उसके अलावा काफी चीजें मैं अपग्रेड करने के लिए सक्षम हो पाऊंगा। इतने ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में, नए चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट, जय हिंद, जय भारत।